एक भूले हुए जंगल के मध्य में धुंध और रहस्य में डूबा हुआ एक प्राचीन हवेली के जीर्ण शीर्ण खंडहर पड़े थे। इसकी दीवारें जो कभी भव्य और प्रभावशाली थीं, अब समय और उपेक्षा के बोझ से ढह गई हैं। फुसफुसाती कहानियां उस काले जादू के बारे में बात करती थीं, जो कभी इसके हॉलों में पनपता था। ऐसी कहानियां जो सबसे बहादुर आत्माओं की रीढ़ को भी झकझोर कर रख देती थीं। हवेली में प्रवेश करने का साहस करने वाले कुछ जिज्ञासु लोगों में एमिली नाम का एक युवा इतिहासकार भी था। ज्ञान की प्यास और एक अतृप्त जिज्ञासा से प्रेरित होकर उसने स्थानीय लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और जर्जर हवेली में चली गई। उसकी लालटेन काई से ढकी दीवारों पर टिमटिमाती छाया डाल रही थी। जैसे ही एमिली हवेली की गहराइयों में उतरी, उसकी नजर एक छिपे हुए कक्ष पर पड़ी, जिसका प्रवेश द्वार सदियों पुरानी लताओं से ढका हुआ था। अंदर उसे फटे हुए चमड़े में बंधी एक प्राचीन कब्र मिली, जिसके पन्ने जटिल प्रतीकों और रहस्यमय लिपियों से सजे हुए थे। उस अशुभ भावना को नजरअंदाज करते हुए जो उसके पेट को कुरेद रही थी, एमिली ने पाठ को समझना शुरू कर दिया। वह उन अंधेरी ताकतों से अनजान थी जिन्हें वह उजागर करने वाली थी। उसके द्वारा बोले गए प्रत्येक मंत्र के साथ हवा द्वेषपूर्ण ऊर्जा से भारी हो गई और परछाइयां अपने स्वयं के जीवन के साथ नृत्य करने लगी। अचानक जमीन कांप उठी और कक्ष में एक आवाज गूंज उठी, प्राचीन और डरावनी। तुमने मुझे जगा दिया है नश्वर। आवाज तेज हो गई, जिससे एमिली डरकर पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसके सामने अंधेरे में लिपटी एक आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। इसने खुद को एक सदियों पुराने जादूगर के रूप में प्रकट किया, जो अपनी ही दुष्ट इच्छाओं के कारण हवेली की सीमा में कैद था। सत्ता की भूख से प्रेरित होकर जादूगर काले जादू की सबसे गहरी गहराइयों में उतर गया था और अपने अपवित्र अनुष्ठानों को बढ़ावा देने के लिए निर्दोष आत्माओं की बलि दे रहा था। अपने अहंकार में उसने अपने भाग्य को सील कर दिया था और अनंत काल के लिए हवेली से बंधा हुआ था। अब अपनी जेल से मुक्त होकर जादूगर ने एमिली पर अपनी द्वेषपूर्ण दृष्टि डाली। उसके होंठ मुड़ी हुई मुस्कुराहट में बदल गए। अपने हाथ के झटके से उसने परछाइयों को बाहर बुलाया और उन्हें विचित्र रूपों में घुमाया, जो उसकी ओर सरकी हुई थीं। अपने द्वारा फैलाई गई भयावहता से बचने के लिए बेताब, एमिली हवेली के घुमावदार गलियारों से भाग गई। जादूगर की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन चाहे वह कितनी भी तेज दौड़े, अंधेरा उसका पीछा करता था। हर कदम पर टेढ़ा मेढ़ा होता जाता था। अंत में एमिली को फिर कभी नहीं देखा गया। उसका भाग्य हमेशा के लिए भूले हुए हवेली की दीवारों के भीतर छिपे काले जादू के साथ जुड़ गया। और जैसे ही चंद्रमा ने खंडहरों पर अपनी भयानक चमक बिखेरी, रात में उसके निधन की फुसफुसाहट गूंजती रही, जो उन लोगों के लिए एक चेतावनी की कहानी थी जो जादू के रहस्यों में बहुत गहराई तक जाने की हिम्मत रखते थे।